हस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। ट्वीट के चलते टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गिरफ्तार, गुजरात पुलिस ने जयपुर से उठाया देर को प्रयान का दावा। भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी के लगे नारे, राहुल गांधी ने लोगों को दी फ्लाइंग किस, वीडियो हो रहा है वायरल। एमसीडी चुनाव में कम वोटिंग पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, बोले 15 साल से निरंतरता के कारण बाहर नहीं निकले बीजेपी। शिंदे सरकार के खिलाफ एमबीए करेगी प्रदर्शन, शिवाजी के अपमान के खिलाफ 17 दिसंबर को विरोध मार्च होगा। एनएसए डोभाल का बड़ा बयान, बोले अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना चिंता का विषय है। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर आईएमडी का अलर्ट, उतारी गई एनडीआरएफ की छठी में। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, कुमारी सैलजा को बनाया गया महासचिव, रंधावा को मिली राजस्थान की जिम्मेदारी। छप्पन कश्मीरी पंडित आतंकवादियों के निशाने पर, सरकारी विभागों में काम करने वाले पंडितों की सूची आतंकवादियों के हाथ लगी। महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर से मोबाइल कैंपस में मोबाइल होंगे बैन, सिर्फ भस्म आरती में छूट, लड्डू महंगा हुआ। हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर घमासान, हॉली लॉज पर लेटर बम से हमला, हाईकमान को खत भेज कर वीरभद्र परिवार का विरोध। चुनावी मोड में कांग्रेस, राजस्थान समेत 3 राज्यों के प्रभारी बदले, बीजेपी भी जल्द बदल सकती है दिल्ली समेत आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष। महिला बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं, हिमंत बिस्वा सरमा ने मुस्लिम महिलाओं से अपील की 2 ही बच्चे पैदा करें। कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद मोड में आया, सीएम बोम्मई ने कहा कार्रवाई करेंगे, महाराष्ट्र के मंत्रियों ने दौरा लौटा। सीजीआई बोले मैंने भी मून लाइटिंग की 20-22 साल उम्र की रेडियो में शो होस्ट किया, तभी वकील भी था। कांग्रेस से हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल को हटाया, शक्ति सिंह गोहिल नए प्रभारी बनाए गए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस वोटिंग बनी वजह। इंडियन एयरबेस में घुस रहे कार सवार 4 युवक दबोचे, सुरक्षा कर्मियों ने बंदूक तानी, बैरियर लगाकर पकड़े, नशे में धुत मिले चारों। संबल में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल, दावत से लौट रहे थे घर। नोएडा की मांग पर यूपी में लागू होगा लिफ्ट एक्ट, गुजरात हरियाणा के एक्ट को बनाया गया आधार, प्राधिकरण शासन को भेज रहा है फाइल। बाबरी विध्वंस की बरसी मथुरा में, अलर्ट हिंदू महासभा, बोली मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हिरासत में जलाभिषेक करने जा रहे कार्यकर्ता। अमरोहा पुलिस और
पशु चोरों में मुठभेड़, गोली लगने से दो चोर एक सिपाही हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में हाई अलर्ट, जामा मस्जिद पर फोर्स तैनात, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया पैदल मार्च। पाम ओलंपिया सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक, बिस्किट खिलाने वाले युवक पर किया हमला, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। आगरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मस्जिद की तस्वीर से छेड़खानी करके सोशल मीडिया पर वायरल की। चौकी इंचार्ज की बुजुर्ग महिला से अभद्रता, बोले ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो शक्ल बदल दूंगा, अकल बदल दूंगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे को मिलेगा गर्म भोजन, अंबेडकर नगर में 2019 से बंद था, जनवरी माह से शुरू होगा हॉट कुक योजना। सड़सठवें परिनिर्वाण दिवस पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि, बस पर प्रमुख बोली बाबा साहेब ने संविधान बनाकर भारत का नाम देश में रोशन कर दिया। रायबरेली पुलिस ने छात्रा को गंगा में कूदने से बचाए, पूछताछ में पुलिस से बोली मेरा पिता पढ़ने नहीं देता, शराब पीकर मारता है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने नोएडा ट्रैफिक व्यवस्था का लिया जायजा, बोली जाम की समस्या से लोगों को जल्द मिलेगी निजात। बिजली कर्मचारी की मौत पर 5 अफसरों पर एफआईआर, बरेली में सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों के बीच हुआ था हादसा, भाग गए थे अफसर। क्राइम ब्रांच के अफसर बनकर लूटने वाले बदमाशों से मुठभेड़, पुलिस का फर्जी आई कार्ड बरामद, डिलीवरी बॉय से लूटे थे 24,000। एक दिवसीय दौरे पर उन्नाव पहुंचे आईजी तरुण गाबा, थानों का निरीक्षण कर सफाई के दिए निर्देश, लंबित विवेचनाओं का जल्द निस्तार करने को कहा। काशी तमिल संगम में पहुंचा 8वां डेलीगेट, वाराणसी आ रही महिला हॉकी और पुरुष फुटबॉल टीम, 8 दिसंबर को एस्ट्रोका ग्राउंड पर पहला मैच। मऊ के वार्ड 33 से निकाय चुनाव पर चर्चा, लोग बोले चेयरमैन की शिकायत लेकर जाओ तो केवल धमकियां मिलती है। उन्नाव में किसान से 2 लाख की लूट, आईजी की गश्त के दौरान हुई घटना, पुलिस बॉर्डर विवाद में उलझी रही। मिर्जापुर में 3 अभियुक्तों को 1 साल की सजा, SC ST एक्ट के तहत कोर्ट ने दी कार्रवाई, 6,000 का जुर्माना भी लगाया। नोएडा के अट्टा बाजार की दुकान में लगी आग, लाखों का गारमेंट जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से हो सकती है वजह। अयोध्या में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, मस्जिद के विध्वंस के बाद 30 वर्षों में रामनगरी में ऐतिहासिक बदलाव। गोपीगंज नगर पालिका में दूसरी बार बनेगी महिला चेयरमैन, प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी, कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा। मैनपुरी में उपचुनाव के बाद ईवीएम की निगरानी, स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे कार्यकर्ता, कल 54.36% तक हुई वोटिंग। महाराजगंज में SGST विभाग का छापा, कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर की जांच, दुकानदारों पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का आरोप।
बुलंदशहर में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने निकाला फ्लैग मार्च, फोर्स के साथ किया भ्रमण। चंदौली में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सीएम योगी के निर्देश पर जीएसटी चोरी को पकड़ने के लिए 71 जिलों में हुई छापेमारी, टीम ने 100 करोड़ से अधिक की चोरी पकड़ी। कोरोना में कर्नलगंज चौकी प्रभारी सहित हटे 11 दरोगा, कई आरक्षी भी शामिल, कानून व्यवस्था को लेकर किया गया स्थानांतरण। लखनऊ के थाना गुड़नब्बा क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली कहा सुनी पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, जानलेवा हमला, युवक हुआ लहूलुहान। उत्तराखंड में गुलदार के बाद अब जंगली भालुओं का आतंक, एक ही दिन में 4 लोगों पर किया हमला, एक की हालत गंभीर हुई। उत्तराखंड में 2 योजनाओं का लोकार्पण व 1 का शिलान्यास करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। होगा गठन, बना ऐसा करने वाला तीसरा प्रदेश। उत्तराखंड में पहल का स्वागत, मुख्यमंत्री धामी ने कहा सड़कों का होगा व्यापक सर्वे। शादी के 2 साल बाद अलग हुई महिला, पैसों की जरूरत पड़ी तो पति व उसके दोस्तों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती संग हैवानी झगड़ा हुआ तो पार्टनर ने काट दिए दोनों हाथ, मौत हो गई। उत्तराखंड में झगड़े के बाद बिन खाए खाना सो गया था पति, पत्नी ने जगाया तो दबा दिया गला, मिला आजीवन कारावास। उत्तराखंड में बैंक में करोड़ों के गबन में हरियाणा का बुकी अरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगाया लाखों का सट्टा। उत्तराखंड में पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए बड़ी वारदात को अंजाम देने घर से निकले थे बदमाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में बुजुर्ग को शिकार बनाने वाली मादा गुलदार ढेर, मचान से मारी 2 गोली, एक सिर व दूसरे दिल से हुई पार। होमगार्ड स्थापना दिवस 2022 में सीएम धामी ने जवानों को सौगात, भोजन भत्ता समेत कई बड़ी घोषणाएं की। उत्तराखंड में देर रात साइकिल से ड्यूटी जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला, अस्पताल में हुई मौत। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंद्र राम दास अस्पताल में भर्ती, कई दिनों से था बुखार, डेंगू की पुष्टि। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे काजी हाउस, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की योजना की शुरुआत। दोस्त बने कातिल, पहले ही पार्टी विवाद, फिर बिजली के तारों से घोटा साथी का गला, वारदात का वीडियो भी बनाया। इंडोनेशिया में प्री मैरिटल सेक्स बैन, नए कानून को मंजूरी मिली, अब शादी से पहले संबंध बनाना क्राइम होगा।
कनाडा में सिख लड़की की गोली मारकर हत्या, 15 दिन में दूसरी घटना। 25 नवंबर को 18 साल के मकप्रीत का मर्डर हुआ था। साइंटिस्ट का दावा है, वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना। अमेरिका ने चीन को वायरस बनाने का प्रोजेक्ट दिया, सुरक्षा में हुई चूक हुई। इमरान शुरू करेंगे चुनाव कराओ मुल्क बचाओ अभियान, पूरे पाकिस्तान में होगी रैलियां। ग्रीस में बवाल, पुलिस ने 16 साल के लड़के पर चलाई गोली, सड़कों पर उतरे लोग, हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। कोलंबिया में लैंडस्लाइड, 8 बच्चे समेत 34 की मौत, बस मिट्टी में दबी। चश्मदीद बोला, मलबा बहुत तेजी से नीचे आया, कोई भाग नहीं पाया। यूएन में भारत ने कहा आतंकवाद ग्लोबल चैलेंज, इससे लड़ने दुनिया को एकजुट होना होगा, जीरो टॉलरेंस अप्रोच जरूरी। पाकिस्तान का नया दावा, डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देने को तैयार हुआ रूस, पुतिन सरकार ने पुष्टि नहीं की। जेलेंस्की ने घुसकर मारा तो बौखलाए पुतिन, यूक्रेन में मचाई भयानक तबाही, बर्फीले अंधेरे में डूबे लोग। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की नेपाली कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी, 57 सीटों पर जीत, फिर बना सकते हैं सरकार। न्यूरालिंक के ह्यूमन ट्रायल में हो सकती है देरी, पशु कल्याण उल्लंघनों को लेकर जांच के दायरे में कंपनी। एटीएम से खरीद सकेंगे सोना, हैदराबाद की कंपनी ने सोने का एटीएम लगाया, पैसे निकालने की तरफ आसान प्रोसेस ही इसका भी रहेगा। दुनिया भर की कंपनियों में छठवीं भारतीय कंपनियों में 43% बढ़ी कर्मचारियों की भर्ती, आर्थिक गतिविधियों में तेजी से नवंबर में दिखा असर। एनडीटीवी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बना अडानी ग्रुप, मीडिया फर्म में अब टोटल हिस्सेदारी 37.5% हुई, ओपन ऑफर में 53.3 लाख शेयर टेंडर हुए। एलन मस्क को हत्या की आशंका, बोले ओपनर एयर कार परेड नहीं करूंगा, गोली मारे जाने का रिस्क है। वीवो का नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च, वीवो Y02 की कीमत 8,999 रुपए, इसमें 6.51 इंच का HD डिस्प्ले मिलेगा। नहीं बल्कि अब 20,000 एम्प्लॉयज की छट्टी करेगी अमेजॉन कंपनी के कई टॉप मैनेजर्स को भी निकाला जाएगा। विश्व बैंक का अनुमान 2022-2023 में 6.9% रहेगी भारत की GDP, विकास दर 2021-2022 के 8.4% के मुकाबले बड़ी गिरावट। कंपनियों में छटनी का दौर जारी, पेप्सिको बना रही है सैकड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त करने की योजना। पहले बड़ी मछलियों पर करे कार्यवाही, नशीले पदार्थों की तस्करी पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। टीम इंडिया को लगा एक और बड़ा झटका, शार्दुल ठाकुर हुए चोटिल, मरान मालिंग के प्लेइंग 11 को बनाया जा सकता है हिस्सा। रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में हराए, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।
बेन स्टोक्स की तारीफ कर फंसे माइकल वॉन, ट्विटर यूजर्स ने विराट कोहली की याद कर दिला जमकर किया ट्रोल। एयान चैपल ने बढ़ती टी20 लीग पर चिंता जाहिर की, बोली टी20 लीग की खरपतवार से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कोविड संक्रमण की चपेट में आए दिग्गज फुटबॉलर पेले, परिवार ने इंस्टाग्राम पर शेयर की भावुक पोस्ट। फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचा ब्राजील, साउथ कोरिया को 4-1 से हराए, नेमार पेले के रिकॉर्ड की बराबरी से एक गोल पीछे। पहली बार हो रहा है वेमेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप, बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान, शेफाली गौरा करेंगी कप्तानी। पेनल्टी शूटआउट में जीता क्रोएशिया, जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, फुल टाइम तक स्कोर था 1-1। यूएई के क्लब अल नासिर से जुड़े रोनाल्डो 1,730 करोड़ रुपए में डील, 12 दिन पहले छोड़ा था मैनचेस्टर यूनाइटेड। कुंबले से आगे निकले एंडरसन, इंटरनेशनल क्रिकेट में 959 विकेट चटकाए, पाकिस्तान से इंग्लैंड पहला टेस्ट जीता। अक्षय की बेल बॉटम को बताया गया पाक के खिलाफ विरोध, पर अक्षय ने कहा यह सिर्फ एक फिल्म है, इसे लेकर ज्यादा सीरियस मत होइए। शाहरुख खान की पठान का पावर पैक नया पोस्ट रिलीज, रफ एंड टफ लुक में दिखे किंग खान। छत्रपति शिवाजी बने अक्षय कुमार का लुक हुआ वायरल, शेयर कर बोली जय भवानी। हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की होगी वापसी, अक्षय के करीबी बोले उन्हें इस फिल्म में कोई काम करने की दिलचस्पी नहीं है। वेब सीरीज कैट में जल्द नजर आएंगे रणदीप हुड्डा, बोले इसके जरिए हमें इंडस्ट्री में सरदारों को जिस तरह स्क्रीन पर दिखाते हैं। ₹446 करोड़ कमाने वाली कांतारा की तुलना तूफान से 21 साल में बनी थी, तूफान 21 में 3 अवार्ड फिल्म फेयर जीते थे। ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आई श्रद्धा कपूर, ऋतिक रोशन, सोनल चौहान समेत एयरपोर्ट पर दिखे ये सेलेब्स। सैफ अली खान के ब्रिटिश एक्सेंट का उड़ा मजाक, लोगों ने कहा सैफ से फेक ब्रिटिश एक्सेंट से करीना भी परेशान रहती होंगी। लकी अली की जमीन पर भू माफियाओं ने किया कब्जा, निराश सिंगर ने कहा घर पर पत्नी बच्चे अकेले हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे शक्ति कपूर, कादर खान के थप्पड़ से सदमे में चले गए थे, अजय देवगन के पिता के समझाने पर पूरी की फिल्म। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।